सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक लर में। आज मैं बात करने वाला हूँ हस्तरेखा के ऊपर। जी हाँ, हस्तरेखा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी के भी हाथ में जो मेन रेखाएं होती हैं उनका अगर एंडिंग दो शाखाओं में बदल जाए, जैसे जीवन रेखा में अगर नीचे दो शाखाएं बदल जाए, मस्तिष्क रेखा में दो शाखाएं बदल जाए, या फिर हृदय रेखा में दो शाखाएं बदल जाए, या फिर भाग्य रेखा अगर दो शाखाओं में बदल जाए, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इस पूरे मैटर को मैं समझाने के लिए आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जीवन रेखा अगर कुछ किसी के हाथ में इस प्रकार से बनी है और लास्ट में जाकर जीवन रेखा अगर दो मुहे बन जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आके इस तरह से दो मुहा बन जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति का जीवन मतलब अंतिम जीवन में उनकी तबीयत को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी और उनकी जो जीवनी शक्ति है उसका ह्रास होता है। स्पेशली यहाँ पर कंडीशन दो दिखते हैं। पहला कि अगर जीवन रेखा के अंत में इस प्रकार का दो शेप बनता है, एक मणिबंध की और नीचे यहाँ पे अगर जुड़ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी लंबी आयु तक जीता है। एक समय के बाद उनकी तबीयत की स्थिति मतलब शरीर की स्थिति थोड़ी सी वीक होने के बाद फिर उसी तरह से स्टेबल रहता है, और दूसरी शाखा अगर निकल के इस ओर जाती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु जो है वो जन्म स्थान से दूर होता है, यानी जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर ऐसे लोगों की मृत्यु या अंतिम संस्कार होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बनी है और इसके अंत में जाकर दो मुहा इस तरह का बनता है, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी, यानी ऐसे लोगों के पास एक तरह की विद्या नहीं होती, ये कई तरह की विद्याओं को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। इसके विपरीत अगर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकल के बहुत पहले से इस तरह से दो भागों में बढ़ते हुए आगे बढ़ जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति दो नाव में पैर रख के चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है कि उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने विचारों को लेकर इनका अंतर्द्वंद होता रहता है। स्पेशली अगर कोई मेजर डिसीजन लेना हो, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो कभी भी ये खुद डिसीजन नहीं ले पाते, हमेशा दो राहों में खड़े रहते हैं, उनको समझ नहीं आता किस ओर जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर हृदय रेखा में इस तरह से हृदय रेखा से निकल के आगे जाके दो भागों में इस तरह से बढ़ जाए, एक बृहस्पति पर्वत की ओर और एक शनि पर्वत की ओर, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंतिम समय में उनके हार्ट की जो स्थिति होती है उसमें समस्याएं देखने को मिलता है। स्पेशली ऐसे लोगों को कार्डियोमायोपैथी, एक ऐसा टर्म है जिसमें हार्ट को रिप्लेसमेंट करने के अलावा और कोई दूसरा चारा रहता नहीं है, क्योंकि उसका परमानेंट किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। दूसरा, ऐसे लोगों का हार्ट फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रहता है। ऐसे लोग ओवर स्ट्रेस्ड होने की वजह से, यानी छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने की वजह से इनकी हार्ट की जो गति होती है, स्पीड होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। अगर हृदय रेखा डायरेक्टली अंत में जाकर बृहस्पति पर्वत में ख़त्म होकर दो मुहा इस तरह से बनती है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होता है और ऐसे लोगों के पास पराविद्या के ऊपर विशेष ज्ञान होता है। साथ में अगर यहाँ इस जगह पर कोई रेखा शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में बन जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग सफल ज्योतिष होते हैं, ऐसे लोग सफल एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं, यानी ब्रह्मांड के विषय में काफ़ी ज़्यादा इनकी जानकारी होती है और बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। इनका सिक्स सेंस इतना पावरफुल होता है कि वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को वो भांप सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में किसी भी मुख्य रेखा में दो
स्प्लिट होता है कि नहीं, यानी कि मुख्य रेखा के अंत में जाकर दो भागों में बंटता है या नहीं। इसी प्रकार अगर भाग्य रेखा ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर आके दो भागों में इस तरह से बढ़ जाए, स्पेशली ऐसा होता है शनि पर्वत में, तो ऐसे व्यक्ति को अंतिम जीवन में, अंतिम समय में यानी बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं रहती। इन लोगों को बुढ़ापे में अक्सर देखा जाता है, या तो इनके परिवार वाले छोड़ देते हैं या फिर इनको वृद्धाश्रम में अपना समय बिताना पड़ता है। अगर ये शाखा दो भागों में ना बटकर एक ही शाखा ऊपर तक गई तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी समृद्ध होता है, पूरे परिवार के साथ रहता है और अपने परिवार में रहते हुए ही अपने शरीर का त्याग करता है। तो अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखाएं हैं तो जरूर चेक करना ना भूलें और अपने हाथ से मिलाइए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।